नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हमने जो गणित शिक्षण का सीरीज चला है, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह चल रहा था, उसमें हमने 140 प्रश्नों को कवर कर लिया है। और आज हम 140 प्रश्न से लेकर के 170 प्रश्न लगभग कवर करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर DLED या BTC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 की, तो इसमें पूछा गया है कि पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जो होता है उत्तरदायी होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी BTC 2017 में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फैलेवी वायरस, बी ऑप्शन है निमेटोड, सी ऑप्शन है ईस्ट, या डी ऑप्शन है एंट अमीबा स्टोलेटिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा स्टोलेटिका, यानी कि जो पेचिस नामक बीमारी के लिए जो सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है उसका नाम है एंट अमीबा स्टोलेटिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल बराबर वस्तु का भार। अतः ऑप्शन ए है वस्तु जल में डूब जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर सी है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, जबकि ऑप्शन नंबर डी है वस्तु सतह के नीचे नीचे पूरी तरह तैरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु सतह पर तैरेगी। इसको हम बोलते हैं आकर्मडीज का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 143, ये भी पूछा गया है BTC सेकेंड ईयर 2017 में। तो इसका क्वेश्चन यह है, ऊष्माधारिता का मात्रक है, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऊष्माधारिता होती है उसका मात्रक होता है कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 144, कंडुआ रोग जो होता है किसमें लगता है, जो कंडुआ रोग होता है किस फसल में लगता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं 2017 में पूछा गया है, जो DLED या BTC सेकेंड ईयर का होता है थर्ड सेमेस्टर उसमें। तो आपके ऑप्शन है नींबू में, बी ऑप्शन है आलू में, सी ऑप्शन है गेहूं में, या डी ऑप्शन है लौकी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंडुआ रोग होता है वो किसमें लगता है, गेहूं में। प्रश्न नंबर 145, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिरकणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। फ्रेंड, प्रतिजन होता क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये एंटीजन होता कैसे है और ये किसमें किसकी भित्ति पर चिपका होता है। अगर हम बात करते हैं RBC का, अगर RBC को हम लेते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से धसे हुए प्रतिजन रहते हैं। इसके जो ऊपर सतह पे ऊपरी सतह जो होती है इस पे क्या होता है, प्रतिजन होता है। इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी में या किसी इंसान में अगर उसके ब्लड को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर टेस्ट करेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार का ब्लड ग्रुप उसके अंदर है। तो अगर वो जानने का तरीका यही होता है कि उसके प्रतिजन का जानकारी लेना, इसके बॉडी यानी कि उसकी जो RBC होती है, लाल रुधिरकणिका होती है, उस पर किस प्रकार का प्रतिजन यानी कि एंटीजन उपस्थित है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, एंटीजन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी टाइप। ठीक है, अगर एंटीजन ए टाइप का यहाँ पे उपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे जो ब्लड ग्रुप उसका कैसा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर जो एंटीजन यानी प्रतिजन बी टाइप का होगा तो उसका यहाँ पे जो उपस्थित रहते हैं, जो धसे हुए रहते हैं भित्ति पर चिपकी रहती है, अगर ये बी टाइप का होगा तो हम उसको बोलते हैं जो ब्लड ग्रुप होता है किस टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है। अगर बात करते हैं दोनों उपस्थित हो जाए, ए भी आ जाए और बी भी एक साथ दोनों आ जाएं, यानी प्रतिजन जो होता है ए भी रहे और बी भी रहे एक साथ मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप। आपने पढ़ा है कार्ल लाइनस्टीनर ने रुधिर की खोज की थी, उन्होंने बताया था कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ए आप जानते हैं बी होता है, ए बी होता है और क्या होता है, ओ होता है। फ्रेंड,
यहाँ पे हमने समझा ए ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, जब प्रतिजन यानी जो लाल उदर कणिकाएँ होती हैं उनको अगर हम इंजेक्शन निकालते हैं, ले जाते हैं लैब में टेस्ट करते हैं तो देखते हैं जो प्रतिजन उस पर उपस्थित होता है वो किस टाइप का है। अगर ए टाइप का है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी टाइप का है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी है, अगर यही दोनों उपस्थित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ए बी टाइप का। अगर ये प्रतिजन उपस्थित ही ना हो, कहने का तात्पर्य यह है, ये मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कोई प्रतिजन ना उपस्थित हो, कोई जो चिपके हुए भित्ति उसके भित्ति पर जो होते हैं चिपके रहते हैं वो उपस्थित ही ना हो तो उसको बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर कोई नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, तो जीरो ब्लड बोलेंगे या तो ओ बोलेंगे। इस प्रकार हमारे चार मुख्यतः मुख्य रूप से चार ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर इसके आगे भी पढ़ते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव आता है, फिलहाल उसको हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम ब्लड ग्रुप को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसको पूरा ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन का, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी तो चिपकी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल रुधिर कणिका पर। प्रश्न नंबर 146, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। तो कहने का इसका तात्पर्य है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं प्रेशर यानी कि दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे इसको, दाब कहेंगे। प्रश्न नंबर 147 क्या है, इसमें पूछ रहा है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है लकड़ी का कोयला, बी ऑप्शन है शुगर चारकोल, सी ऑप्शन है जंतु चारकोल, जबकि डी ऑप्शन है लैम्प ब्लैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु चारकोल। जब हम जो चीनी चमकती हुई दिखाई देती है उसको रंगहीन करने के लिए कौन सा किसको इस्तेमाल किया जाता है, जो जंतु के चारकोल होते हैं उससे हम इसको शुद्ध किया करते हैं चीनी को। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख रहे हैं बीटीसी 2017 में इसको पूछा गया था, 148 भी 2018 में पूछा गया है। 148 में पूछ रहा है आपसे घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन है संवहन, बी ऑप्शन है चालन, सी ऑप्शन है क्वथन, जबकि डी ऑप्शन है वाष्पन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पन द्वारा। जब हम घड़े में पानी रखते हैं तो धीरे धीरे जो वाष्पन की क्रिया होती है उससे क्या होती है, ठंडा हो जाती है। प्रश्न नंबर 149, एजुसेट क्या है, एजुसेट क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एजुसेट क्या होता है, तो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक समिति, बी ऑप्शन है शैक्षिक उपग्रह, सी ऑप्शन है शैक्षिक कार्यक्रम, डी ऑप्शन है शैक्षिक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैक्षिक उपग्रह है। बी एजुसेट क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। प्रश्न नंबर 150, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है, जो पत्ती में रंध्र पाया जाता है कहाँ पे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी सतह पे, ऑप्शन नंबर बी है निचली सतह पे, ऑप्शन नंबर सी है डंठल पर, या ऑप्शन नंबर डी है पर्णाधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊपरी सतह पर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। प्रश्न नंबर 151, दाब अधिक होता है, पूछ रहा है आपका दाब अधिक होगा। अभी हमने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो अगर हम किसी, हम मान लीजिए एक दलदली स्थान में हैं, अगर हम सीधे एक पैर पे खड़े हो जाते हैं तो हम जल्दी उसके अंदर घुस जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं दाब अधिक लग रहा होगा तभी तो हम उसके अंदर जा रहे होंगे। पर अगर लोग कहते हैं कि आप अगर दलदली स्थान में फंस गए हैं तो क्या करिए, आप लेट जाइए उस पर, लेट कर यानी रेंगते हुए आगे निकलिए, तो इससे क्या होता है कि जो आपका सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो दाब जो होता है दाब वो ज़्यादा बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एरिया में, और वहाँ पे दाब कम लगता है सतह पर, उस एरिया पे दाब कम लगेगा, तो यानी कि जितना क्षेत्रफल आपका बड़ा होगा वहाँ पे उतना ही दाब कम लगेगा। अगर आप उस सतह पे लेट जाते हैं तो दाब कम लगेगा, अगर आप दोनों पैर पे खड़े होते हैं थोड़ा सा उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अगर आप एक पैर पे खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दाब उसी पे लगता है, बैठ जाएंगे तो भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दाब किस पे रहता है, एक पैर पे खड़े होने पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पैर खड़ा होने पैर पे खड़े होंगे तो दाब सबसे अधिक होगा उस समय। प्रश्न नंबर 152, निम्नलिखित में से किसमें
कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है रोटी में, बी ऑप्शन है चीनी में, सी ऑप्शन है नमक में, जबकि डी ऑप्शन है कोयले में। तो फिलहाल आपको दिख ही रहा है चीनी में कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है, ब्रेड में भी कार्बन होता है, जबकि नमक होता है, नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये क्लोराइड हो गया, ये सोडियम हो गया, तो इसमें देख आपको कवर कार्बन तो दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें नहीं पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी ऑप्शन जो है उसमें नमक यानी नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया 2018 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 153। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, सबसे ज़्यादा एक ध्वनि का वेग होता है। हम जानते हैं जो हमारी ठोस होता है, गैस होता है, और क्या नाम है, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस और द्रव, गैस। जब जिसमें अणु ज़्यादा पास में रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, ध्वनि तेज़ी से चलती है, यानी कि ध्वनि को सबसे पहले चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर कोई मीडियम नहीं रहेगा तो ध्वनि आगे बढ़ेगी नहीं, और ध्वनि आगे प्रपोगेट करेगी नहीं, ध्वनि आगे बढ़ेगी नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जितना हमारा संघन होगा, जितने ठोस में क्या होते हैं और जिसके अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं उससे एक दूसरे टकरा करके आगे बढ़ती हैं, इनके आपस में जो कण होते हैं टकरा के आगे बढ़ते हैं, जितना आसपास रहेगा उतनी जल्दी वो टकराएंगी, एक दूसरे को भेजेंगी। तो जो ठोस में सबसे अधिक जो ध्वनि का वेग होगा, ठोस में सबसे अधिक होगा, फिर द्रव में होगा, फिर उसके बाद लास्ट में होगा गैस में, यानी गैस में जो अणु होते हैं उसके, गैसों के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ध्वनि को पहुंचाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपसे पूछ लेता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जहाँ पे उसको ज़्यादा खुला स्थान मिलेगा बहुत तेज़ चलेगा, तो निर्वात में उसका जो चाल होता है प्रकाश का बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होगा, ठोस में होगा। प्रश्न नंबर 154। ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, पहला ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है केवल अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जबकि डी ऑप्शन है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों। तो ध्वनि तरंगे जैसे कैसी होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ भी होती हैं अनुदैर्ध्य भी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं उनके माध्यम के कण, अगर हम मान लीजिए ये हमारे अनुदैर्ध्य तरंग है एक प्रकार से, तो उसमें जो माध्यम के कण होते हैं किस प्रकार से बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये समांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं, समांतर, यानी तरंग जो हमारी गति होती है, मतलब ये तरंग चल रही है तो इसके समांतर ये भी चलेंगी, जो भी होगी वो भी उसके समांतर ही चलेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग की गति के दिशा के समांतर जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उनके कण जो होते हैं कंपन करते हैं। प्रश्न नंबर 156। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनके माध्यम के कण किस प्रकार के कंपन उत्पन्न करते हैं, तो मान लीजिए आपका ये तरंग है, ये तरंग आगे बढ़ रही है, अब तरंग आगे बढ़ रही है तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि ये लंबवत एक दूसरे के यानी कि ऊपर नीचे चलती हैं इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी तरंग गति के दिशा के लंबवत, जो तरंग गति की दिशा होगी उसके जस्ट लंबवत चलेंगी अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं। प्रश्न नंबर 157। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती हैं, अगर हम पानी में कोई पत्थर डालते हैं तो अगर पत्थर में डुबोएंगे तो क्या पत्थर सीधे अंदर डूबेगा, और उसके एक देखते होंगे लहर निकलती होगी आगे बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं केवल, कौन सी तरंगे होती है उसमें, केवल अनुप्रस्थ यानी कि समांतर, यानी लहर के समांतर तरंगे बढ़ रही हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें किस प्रकार की जो तरंगे होती हैं केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रश्न नंबर 158। 158 पूछा गया है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, अगर हम घड़ी की बात करते हैं, हमारे तीन सुइयाँ होती हैं इसमें, एक मिनट की होती है, एक सेकेंड की होती है और एक घंटे की होती है, ठीक है, सबसे छोटी घंटे की, उससे बड़ी मिनट की और सबसे बड़ी सेकेंड की, पूछ रहा है मिनट की, अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ पे है 12 बजे पे है और ये घूमते 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 फिर से 12 बजे पे आ जाए, यानी कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, तो इसको पूरा यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगा, टोटल 1 घंटे लग गया,
मिनट वाली सुई को टोटल यहाँ घूम पहुँचने में कितना समय लगता है, 1 घंटे। अगर पूछता है आपसे घंटे वाली सुई को वहाँ पे 12 पे, यानी जहाँ से स्टार्ट होती है फिर उसी स्थान पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो घंटे वाली सुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते लास्ट में कितनी पहुँचेगी, 12 घंटे में। यानी कहीं ना कहीं अगर घंटे वाली सुई की बात करता है तो टोटल एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। मिनट वाली सुई को एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने पर कितना समय लेती है, 1 मिनट या 60 सेकेंड लेती है। जबकि सेकेंड वाली सुई की जब बात करते हैं तो 60 सेकेंड एक चक्कर लगाने में लेती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसने पूछा है क्या यहाँ पे मिनट वाली की बात किया है। तो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में पूरा जो समय लगता है उसको ही बोलते हैं आवर्तकाल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट, यानी कि सॉरी 1 घंटा। मिनट वाली की बात कर रहा है ना, तो 1 घंटा हो जाएगा। अगर सेकंड वाली की बात करता तो 1 मिनट हो जाता है, और अगर घंटे वाली की बात करता तो 12 घंटे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाएगी। प्रश्न नंबर 159, 159 में पूछा गया है, एक कण का आवर्तकाल दिया है आपको सेकंड में, उसकी आवृत्ति दी है बतानी है आपको। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है आवर्तकाल और आवृत्ति में, यानी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n, यानी कि आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि 1/1 किसके, आवृत्ति के। हमको क्या दे रखा है, आवर्तकाल, यानी टी का मान दे रखा है जबकि हमको आवृत्ति पूछा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एन इज इक्वल टू 1/t। अब टी का मान हमें दिया है कितना, 1/0002। 0 हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसको 2 से काट दिए 100 को, तो कितना आ जाएगा, 50। और ये आवर्तकाल का जो होता है, सॉरी आवृत्ति जो होती है किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, प्रति सेकंड में होती है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज में आती है। तो कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज या प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट, यानी 50 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। हमें दिया है किसी कण का आवर्तकाल दिया है 0.02 सेकेंड, हमसे आवृत्ति पूछी है। तो आवृत्ति इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ आवर्तकाल। आवर्तकाल का मान दिया है तो हमने पुट कर दिया 1/0.02, 0 हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए, 2 से काट दिए कितना बचा, 50 बचा। अब 50 जो होता है ये होता है हमारा जो आवृत्ति आती है हर्ट्स में आती है, इसको या तो दूसरा इसका नाम है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड या हर्ट्स। तो जो 50 आया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 50, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 प्रति सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किसी तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति में संबंध होता है। अभी देखिए हमने बताया ऊपर फार्मूले में, सेम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ गया, तो दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने बताया था कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n। अगर इधर एन को इधर भेज देंगे तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई मैच कर रहा है क्या, ये तो एन स्क्वायर, एन स्क्वल यानी न्यू इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 है। यहाँ पे न्यू 1/t इज इक्वल टू 1 है, जबकि सी वाला है सेम मैच करा, यानी कि एन टी इक्वल टू 1, यानी इसका सेम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 161, 161 में पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंगों में 2 तरंगों के बीच की दूरी होती है। आइए समझते हैं कहने का तात्पर्य क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया 2017 में। ये मान लीजिए ये 2 तरंग है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे अनुप्रस्थ, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसमें 2 तरंगों के बीच की दूरी, सुरंग किसको बोलते हैं, ये होता है सुरंग, यानी ये वाला सुरंग होता है नीचे वाले को गर्त कहते हैं। एक तरंगे हो गई, दूसरी तरंग चलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे चलेगी वापस, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है 2 सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य, यानी लैमडा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, लैमडा। तो अगर आपसे पूछ लिया है 2 सुरंगों के बीच की दूरी, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको सुरंग बोलते हैं, नीचे वाले भाग को बोलते हैं गर्त, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये तरंग अगर चलती है तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सुरंग कहलाता है, जबकि नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, गर्त। तो उसने 2 सुरंगों के बीच की दूरी की बात किया है तो होता है लैम्डा होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 162 पूछा गया है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। जो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करते हैं, जो बुखार मापते हैं, उसका जो स्केल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो उसका स्केल होता है, हम पहली बात हम जानते हैं वो फारेनहाइट में मापा जाता है,
लेकिन उसका स्केल की बात करते हैं तो कितने डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर कितने डिग्री तक फॉरेनहाइट तक चलता है, तो हम जानते हैं उसमें जो मिनिमम होता है 95 फॉरेनहाइट होता है और मैक्सिमम जो होता है 110 फॉरेनहाइट होता है। अगर 95 फॉरेनहाइट से उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो समझ लो इंसान डेथ हो गया है, उसकी टेम्परेचर से उससे कम हो गया, या 110 से ऊपर भी अगर टेम्परेचर इंसान का चला जाता है समझ लो तब भी वो नहीं बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 163, हरित लवक पाया जाता है, जो हरित लवक होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं आप सभी जानते हैं, वो वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार ये 2019 में एग्जाम में पूछा गया था हरित लवक किसमें पाया जाता है, हरित लवक वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 164, प्रश्न नंबर 164 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन है आपके ग्राहम बेल, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है आर्करमिडीज, जबकि डी ऑप्शन है सैमुअल्स मॉर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल, यानी कि ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपका क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख करके, ये बताइए जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार किसने किया है, यानी मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165, कार्बन का क्रिस्टली रूप है, कार्बन का क्रिस्टली रूप है, ये 2019 में पूछा गया था डीएलएड में, ऑप्शन आपके हैं पहला काजल, बी ऑप्शन है जंतुकर चारकोल, सी ऑप्शन है हीरा, या जबकि डी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है कोयला और डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे क्रिस्टली रूप की बात कर रहा है, तो क्रिस्टली रूप कौन सा होता है, हीरे का होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 166, द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था डीएलएड 2019 में, तो ऑप्शन आपका पहला है गलनांक, बी ऑप्शन है हिमांक, सी ऑप्शन है वाष्पीकरण, जबकि डी ऑप्शन है संघनन। तो द्रव से गैस में बदलने की आवश्यकता क्या, अवश्य जो बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, यानी कि अगर द्रव से कोई चीज़ जैसे कि पानी से जब नदियों का पानी गर्म होकर के उड़ने लगता है तो क्या क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर इवेपरेशन या वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 167 और लास्ट प्रश्न है ये, चना या मटर की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, जो चना होता है और मटर होता है उसकी जड़ों की गांठ जो होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 डीएलएड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजोबियम, जो राइजोबियम नामक का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, किसमें पाया जाता है, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगी। ये जो था एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो चल रहे थे, ये टोटल हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हैं इसमें, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो आप जा करके देख लीजिएगा, सर्वोदय गुरुकुल नाम से आप सर्च करेंगे डीएलएड 2019 या डीएलएड विज्ञान शिक्षण को आप अगर सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, तो यानी टोटल जो राजन सीरीज का जो डीएलएड का सीरीज आती है उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के समय में इसमें क्लास तो चलना नहीं है, तो आपको यहीं से ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी और पूरा आपको डिस्कशन भी हो रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम टू सेम यहाँ से आपको 5 नंबर के मिलेंगे लगभग, और यहीं से 5 नंबर पूरा टोटल आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।